आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज ऋतु, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, क्लास 10th की जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। एग्जैक्टली 9th क्लास की तरह थोड़ा सा चेंज है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो। केमिस्ट्री के लिए बात करें हम बेटा, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो परसेप्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। आपको पता है मेटल, व्हाट इज मैटर? मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। आगे देखिए, हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस बात करी थी, वही हम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बेस पे बात करें तो एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स होते हैं। यस, ठीक है। हम अलग अलग एलिमेंट्स को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि हम अलग अलग एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम, सिंबल, फॉर्मूला ये सारे देते हैं उनको, जो सर्टेन रूल से हम डेराइव करते हैं, ठीक है। और इन्हीं फॉर्मूलेस के बारे में स्टडी करना, इन्हीं सिंबल्स के बारे में स्टडी करना इस केमिस्ट्री के अंदर आता है। डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल कॉम्बिनेशन हुए, केमिकल चेंजेस हुए हैं उनके बारे में स्टडी करना और उन्हें केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है आपका केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंबल्स एंड फॉर्मूला। आपका कोई भी एलिमेंट होता है, हम उसको इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अ सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एंड एटम ऑफ एन एलिमेंट, जो आपका सिंबल होता है वो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, जो आपके सिंगल लेटर या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से हम डेराइव कर सकते हैं। और ये आपकी इंग्लिश नेम, लैटिन नेम इनसे आ सकता है। यूजुअली जब आप किसी का सिंबल लिखते हैं बेटा, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है और जो सेकंड लेटर होता है वो आपका स्मॉल लेटर होता है। यूजुअली हम क्या देखते हैं बेटा कि जो आपके एलिमेंट हैं उनका आप पहले जो कॉमन नेम, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर ले लिया आपने, एच बन गया, ठीक है। या तो हम फर्स्ट लेटर लेते हैं, लेकिन अगर वो फर्स्ट लेटर क्लैश करता है तो फर्स्ट और सेकंड लेटर हम ले लिया करते हैं, टू लेटर ले लेंगे हम उसमें से। अगर ऐसा होता है कि वो भी क्लैश करते हैं तो हम क्या करते हैं उनके बेटा, आपके ग्रीक नेम या फिर लैटिन नेम से उनके लेटर्स को डिराइव करते हैं। जैसे आपके हम पे देखिए, मरकरी का एच जी लिया है जो कि आपका क्या है, हाइड्रे गायरम, ठीक है। इसी तरह आपके हीलियम का देखिए एच ई, तो इसमें भी इन दोनों में आप क्या देख रहे हो, जो आपका फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल और जो सेकंड लेटर है वो आपका स्मॉल लेटर में है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आप जो आपका एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगल एटम का हो चाहे वो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एटम का हो, इससे हमें ये पता चल जाता है बेटा कि उस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सीएल टू क्लोरीन की बात करें, ये आपका वन मॉलिक्यूल है जिसमें आपके टू एटम्स प्रेजेंट हैं। वहीं हम CaCO3 की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आई होप इट इज क्लियर। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलेस की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम कंपाउंड्स के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मैंने सिंगल एटम के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए कंपाउंड की बात करते हैं। यूजुअली जो आपका कंपाउंड होता है वो आपके पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल की कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये आपका सोडियम रेडिकल और क्लोराइड रेडिकल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे सोडियम में पॉजिटिव रेडिकल है और जो क्लोरीन है वो आपका नेगेटिव रेडिकल है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें बेटा, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब क्या है, आपका जो कंपाउंड होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज देखने को आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। और जो ये आपके रेडिकल जो आपके ऊपर कितने पॉजिटिव आएंगे कितने नेगेटिव आएंगे, तो जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहां पे ये सारी चीजें मैंने रिप्रेजेंट करी थी, आपको बताई थी। आई होप आपको याद है, अगर नहीं देखा है आपने तो जाके उस वीडियो को भी देखिए, ठीक है।
वेल अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट्स पूछते हो बेटा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आप बहुत अच्छे हो, लाइक दैट, एंड थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वेल आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात करी थी कुछ कंपाउंड्स के बारे में, अब हम बात करेंगे जितने भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जर्नल ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताई थी, वहीं हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के बारे में बात करें बेटा, तो बेसिकली इनको आप थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। जो आपके देखिए एसिड जो रहते हैं वो आपके टू टाइप के एसिड होते हैं, बाइनरी एसिड एंड ऑक्सी एसिड, लेकिन बेस आपके हाइड्रोक्साइड से होते हैं, ठीक है, वो आपके मेटल्स, जो आपके मेटल्स होते हैं उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं, जबकि जो सॉल्ट होते हैं इन्हीं एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। क्लियर, हमने देखो यहाँ पे हमारे बेसिस जो है वो तो सिंगल टाइप के हैं, डिपेंड किस पे करेगा नेम सॉल्ट का, प्योरली एसिड्स पे, क्यों, क्योंकि एसिड ही मल्टीपल टाइप में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूजुअली हमने क्या देखा है, आपको याद हो हमने एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस, एनीथिंग व्हिच इज रिलीजिंग या कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन ऑन आयोनाइजेशन, या फिर जिसके पास हाइड्रोजन आयन होता है या फिर जिसका हम आयोनाइजेशन करते हैं और वो हाइड्रोजन आयन गिव अप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसिड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। जो जितने भी आपके बाइनरी एसिड्स होते हैं उनमें आपका एक प्रीफिक्स आता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक एटसेट्रा, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, बाइनरी एसिड। ऑक्सी एसिड की बात करें बेटा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, उसके बेसिस पे हम अपने एसिड्स को अस या फिर एक नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए H2SO3, H2SO4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4, तो इसमें ऑक्सीजन कम है तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, देखिए सल्फर है इसमें आपका नॉन मेटल, तो सल्फ्यूरस एसिड, और ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका जो सफिक्स है वो अस एंड एक आया। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरीके से नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इससे भी कम होता है, मान लीजिए ऑक्सीजन आपका, जैसे यहां पे देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, यहां पे देखो ये आपका क्लोरस एसिड और ये आपका क्लोरिक एसिड, अगर इससे भी ज्यादा ऑक्सीजन अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, इसमें पर आ जाएगा किसमें, प्रीफिक्स में, और वहीं अगर आपकी ऑक्सीजन इससे भी कम है तो वो हो जाएगा हाइपोक्लोरस, अस तो रहेगा ही बेटा क्योंकि ऑक्सीजन कम है, इसी और इसके साथ में क्या आ जाएगा हाइपो, हाइपो कब आता है बेटा, जब आपकी अस से कम होती है ऑक्सीजन। आई होप इट इज क्लियर। तो आपने एसिड कितने पढ़ लिए, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक एंड परक्लोरिक, ठीक है, हाइपो अस, अस एक, परिक। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेमिंग ऑफ बेसिस की बात करें, यूजुअली बेसिस वो सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो आयोनाइजेशन पे हाइड्रोक्सिल एसिड देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एसिड देते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं हम उनको बेसिस कहते हैं, क्लियर, ठीक है। नेगेटिव रेडिकल होता है और ये हमेशा मेटल्स के साथ रिएक्शन करके आपका ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, हमेशा इसका सफिक्स आएगा बेटा हाइड्रोक्साइड, जैसे कैल्शियम के साथ जुड़ गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के साथ जुड़ गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एग्जैक्टली सेम तरीके से एल्यूमिनियम के साथ जुड़ गया तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, OH के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव रेडिकल होता है, इसीलिए डिपेंडिंग ऑन कि जो आपका इससे मेटल जुड़ रहा है जितनी उसकी वैलेंसी होगी, जितनी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी उतने ही OH रेडिकल उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, क्लियर। आई होप इट इज क्लियर, ओके। चलिए सॉल्ट की बात करते हैं। देखिए बेटा आपने स्टार्टिंग में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होंगी, उसमें आपने पढ़ा होगा बेटा कि जब कभी भी आपके एसिड और बेस
आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, हमेशा आपका जो सॉल्ट का नेम होगा वो हमेशा आपके मेटल के पॉजिटिव रेडिकल से शुरू होगा, और जो किससे लिया जाएगा, बेस से लिया जाएगा, और एसिड के नेगेटिव रेडिकल के साथ खत्म होगा। देखिए इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हो। ठीक है, अब देखो आपके जो बेस हैं उनमें तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आ रहा है, आपके फर्क किस में आ रहा है बेटा, एसिड्स में, या तो अस टाइप का एसिड होगा या एक टाइप का एसिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अस टाइप का एसिड है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया हमने सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, जब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम सल्फाइट, यानी के सफिक्स क्या आ जाएगा, अस्कीआइट। ट्रिक क्या है, अस्कीआइट। ठीक है, अस्कीआइट असाइट। ठीक, तो अस किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, आइट में। ठीक, और एक किस में कन्वर्ट होता है, एट। एक किस में कन्वर्ट होता है, एट। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड किस में बदल जाएगा, जिंक सल्फेट। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किस में बदल जाएगा, जिंक सल्फेट। वैसे यहां पे आपके कुछ फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। ठीक है, मेटल फॉस्फाइड दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें इनका फॉर्मूला वगैरह आइडेंटिफाई करना है। वेल, ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी देख के करो। ठीक है, आता है समझ में, वेरी गुड। नहीं आता है, कमेंट सेक्शन मत भूलो, कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब हमने क्या देखा बेटा, हमने मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन देखा, हमने किस तरीके से आपके एलिमेंट मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा है। अब हम देखेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम अपने मैटर को सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये भी पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है बेटा कि उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस तरीके सा है। ज्यादा क्लोजली पैक्ड सॉलिड, कम क्लोजली पैक्ड है लिक्विड, बहुत कम बिल्कुल लूजली पैक्ड है वो है आपके गैसेस। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और भी आपने देखे होंगे इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इवन इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे हम यहाँ पे गैस की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, अब व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, चलिए पढ़ें। देखिए इसके आपको यहाँ पे पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, फोर पोस्टुलेट्स हैं बेटा, आप इनको एज इट इज पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, तो आपको एज इट इज लिखनी होगी। वैसे काइनेटिक, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगी आपको, लेकिन हाँ जब आप 11th और 12th में जाओगे बेटा तो वहां पे आप इसको पढ़ोगे, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा, आईआईटी एंड नीट फाउंडेशन, तो वहां पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, हाँ अगर आपने अभी तक मेरी एस चांद वाली सीरीज को नहीं देखा है तो चैनल में जाइए, वहां प्लेलिस्ट मिलेगी आपको एस चांद की, टू वॉच दैट सीरीज ऑल्सो, जिससे आपको स्टिल वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, चलिए हम मेन पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। नंबर वन, ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल विच इज नोन एज मॉलिक्यूल। जितने भी टाइनी पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, ह्यूज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल, क्योंकि उनके बीच में आपका क्या है, स्पेस काफी ज्यादा है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा है, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। द मॉलिक्यूल आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, हमेशा मोशन करते रहते हैं। चलिए एक छोटा सा आपको होम टास्क या असाइनमेंट देती हूं। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्राउनियन मोशन एंड टिंडल इफेक्ट इन कमेंट सेक्शन।
ठीक है, ब्राउनियन मोशन क्या होती है और टेंडल इफेक्ट क्या होता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके चलिए ठीक। अब देखिए, क्योंकि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, वो आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे, ठीक है, और ये जो कोलिजन होगा बेटा परफेक्टली इलास्टिक होता है। इलास्टिसिटी में क्या देखा है आपने, पढ़ा होगा ना इलास्टिसिटी। चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, बताओ परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा ये इस कोलिजन का। ओके, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है कंटेनर के ऊपर वो इन्हीं हिट्स की वजह से होता है, इन्हीं कोलिजन्स की वजह से होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। जो यूजुअली काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे लिख के बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की बात करेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। ओके बाय बाय।